फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एम्पायर ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खोया लड्डू की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा खोया, शुगर पाउडर, कोकोनट्स और थोड़े से बादाम। शुगर पाउडर और खोया आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और जितना आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग लीजिए। तो इधर मैंने कोकोनट लिया है, कुछ बादाम लिए हैं, इनको हम कट करेंगे, और ये मैंने खोया लिया है, और ये हमने शुगर पाउडर लिया है। इधर मेरे पास ये चॉप्ड आमंड्स हैं और थोड़ा सा ये कोकोनट का बारूदा है, और इसमें हम इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और खोया को हम ठंडा होने के लिए रखा है क्योंकि इसे पहले हमने थोड़ा सा भूना था। और इसमें हम ये फिर शुगर पाउडर ऐड कर लेंगे, शुगर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। और फिर अब हमने इसका मिक्सचर बनाकर तैयार कर लिया है, इसे एक बार आप फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमने ये बनाना स्टार्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, और फेस्टिवल जब भी हो तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरह से मैंने ये लड्डू बना रही हूँ शेप में, सर्कल शेप में, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इसकी शेप अगर आप इसे और अच्छा दें और थोड़ा डेकोरेट करें तो ये आप बहुत पसंद आएंगे। और इसे डेकोरेट आप किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ कर सकते हैं, जैसे मैं आप इसे बादाम के साथ करूंगी कुछ इस तरह से, और ये मैंने इसमें बादाम फिट कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, और खाने में भी अच्छे होते हैं, और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, और इतने सारे मैंने बनाए हैं, सबकी बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है। और अगर इसे टेस्ट किया जाए तो ये बहुत ही अच्छे बने हैं। कुछ को डेकोरेट कर लिया मैंने और कुछ को मैंने नहीं किया। तो कैसे लगे आपको ये सबको रेसिपी, मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और